तुम क्या कर रही हो यहाँ? मेरा कोई इरादा नहीं था आजादे साहबा, बारान साहब ने कहा था इसलिए आ गई। बस साहिबा, खुशी हुई देखकर। तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? अब क्या किया है तुम्हारे साथ? ठीक हूं मैं, आप परेशान मत हो। ये पाँव में क्या हुआ है? पाँव मुड़ गया था मेरा, बहुत दर्द हो रहा है। का दर्द तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन दिल की तकलीफ का क्या करूं? आह काश मैं कुछ कर सकती। लगता है जैसे किसी के हाथ में हो मेरा दिल और वो मसल रहा हो उसे। सांस नहीं ले पा रही हूं। हम उस चुड़ैल फिक्री की वजह से सुकून से कॉफी नहीं पी सके। उनकी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूं। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे? वो नेकलेस अली लाया था ना, आप कैसे जानती हैं ये? अली को ज्वेलरी शॉप से निकलते हुए देखा था मैंने, अंदाजा हो गया। जाहिर है तुम्हारे लिए लिया होगा क्योंकि उसे कोई और तो याद नहीं है। देखो फिक्री के सामने तुम्हारी तरफदारी करना मजबूरी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाए। एक को मालूम होगा पहले, फिर वो दूसरे को बताएगा, तो कोई शक नहीं कि बात बढ़ती ही रहेगी। और फिक्री को देखो जरा, उसने अंदाजा लगाकर तुमसे पूछा, वो चाहती थी तुम खुद अपने मुँह से कहो, साफ है बिल्कुल। क्या अंदाजा लगाया होगा, यानी ऐसा क्या समझ बैठी होंगी वो? ज़ुमरुद, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस औरत को अफवाहें फैलाने की आदत है, जानती हो तुम। कैसे अफवाह, बताए ना। ज़ुमरुद ऐसी मत बनो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी और अली की बात कर रही हूँ। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ, समझ रही हो ना? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। अल्लाह को मानो ज़ुमरुद यार, दूर से ही लगता है दोनों बहुत करीब हो। लेकिन हमारे दरमियान कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भाई को भिनक भी पड़ गई तो कयामत आ जाएगी, ये जानती हो ना? अली के लिए तो और भी बुरा होगा। ये दिन जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे बेटी, तुम बस सब्र करो और मजबूत रहो। देखो बारान हर एक से तुम्हारी हिफाजत कर रहा है और अब से कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। इंशाल्लाह कदर साहिबा। और आप बताए कब वापस आई? अभी आई हूं बेटी। और कैसे हुआ ये, आजादे साहिबा ने माफ कर दिया? बारान, उसने जो कहा मुझसे मेरे दिल को छू गया। मैं जानती थी कि आपसे बात करने गए हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि कायल नहीं कर पाए आपको। मैं बहुत दुखी हो गई थी कदर साहिबा। दरअसल मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं था,
मगर बारान और जिहान का बचपन याद आ गया मुझे। आयतन साहिबा की वफात के बाद दोनों बिल्कुल मेरी औलाद जैसे बन गए थे। बारान को अपने हाथों से खाना खिलाया है मैंने, जिहान के तो डायपर्स भी मैंने ही बदले हैं। दोनों मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। उन्होंने अपनी हर खुशी, अपने हर गम और राज भी मुझे ही बताए हैं। बस इसीलिए नहीं जा सकी, फैमिली को नहीं छोड़ सकी, क्योंकि इन दोनों बच्चों के बगैर मुझे खालीपन सा महसूस होता है। मैं चाहे जितनी भी उदास हो जाऊं, चाहे किसी चीज का भी सामना करना पड़े, उन दोनों से ही मेरी जिंदगी खूबसूरत है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मुझे बहुत याद आती है घर की, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जाहिर है याद आएगी, काफी वक्त से उनसे दूर जो हो। बाबा, अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, सब लोग बहुत याद आते हैं मुझे। क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? कभी नहीं देख पाऊंगी? हाय मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान हो तुम। ठीक है, तुम पैसे तैयार रखो, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। पैसों की बात कर रहा था। इन तस्वीरों को देखकर मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए देखती हूँ कि शायद याद कम हो जाए, लेकिन और बढ़ जाती है। दिल में एक टीस सी उठती है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मुझे अपना बचपन याद आता है। हर हफ्ते हम लोग पापा के साथ पार्क जाया करते थे। मेरी बहन सुमृत वहां हमारे साथ बहुत एंजॉय किया करती थी। मैं कामों से जान छुड़ाने के लिए अम्मी को बहुत तंग करती थी। मेरे भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, मेरे साथ खड़े रहते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। लेकिन अब देखें, मेरे सब घर वाले मुझसे कितना दूर हो गए हैं। मेरी बच्ची सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाई थी, आखिरी बार बाबा के गले भी नहीं लग सकी। और अपनी छोटी बहन सुमृत को मैं प्यार भी नहीं कर पाई। चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। आपको खुशामदीद कदर बहन।
तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छू लिया और मैं इसीलिए आई हूँ ताकि तुम और जिहान अकेले न रह जाओ। शुक्रिया, जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जल्द पता चल जाएगा।